हाय एवरीवन, मैं हुसैन आजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल मार्केट। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड्रॉयड एप्स बनाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हुसैन आजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल मार्केट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। तो मैं बात कर रहा था कि आप अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए एंड्रॉयड ऐप्स किस तरह से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए एंड्रॉयड ऐप्स क्यों बनाऊँ। अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करूँ, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, पेटीएम, ईबे, अमेज़ोन और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं ई कॉमर्स की, तो हर एक वेबसाइट की आपको एंड्रॉयड ऐप्स देखने को मिल जाएगी। अगर मैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या स्मॉल कंपनी की बात करूं, तो इसकी भी आपको एक एंड्रॉयड ऐप्स देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई वेबसाइट हो या ब्लॉग हो और साथ साथ इसी वेबसाइट या ब्लॉग्स का आपका एक एंड्रॉयड ऐप्स बन जाए, ताकि यूज़र्स अपने मोबाइल से आपके डेस्टिनेशन तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है, वो भी सिंगल क्लिक से। अगर यही चीज़ आपके YouTube चैनल्स के लिए हो तो कितना अच्छा होगा, ताकि आपके यूज़र्स, आपके सब्सक्राइबर्स आपके चैनल्स तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है, वो भी सिंगल क्लिक से। अगर आप अपने YouTube चैनल्स के लिए एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं, तो आपके वीडियो के व्यूज़ और आपके चैनल्स के सब्सक्राइबर दोनों इंक्रीज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीख लेते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। आप उसके यूआरएल में टाइप करेंगे web2apk.com। आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टैब जो है मेनू, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सो एडवांस सेटिंग, नीचे में आप सो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एक नया विंडो ओपन करें। उसके बाद आप youtube.com ओपन करेंगे। youtube.com ओपन हो जाने के बाद एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको youtube.com पे लॉगिन होना है। आपको लॉगिन उसी जीमेल आईडी से लॉगिन होना है जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि आप उसी चैनल्स के लिए एंड्रॉयड ऐप्स बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लॉगिन हूँ, तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हैं माई चैनल, आप माई चैनल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस यहाँ यूआरएल में देख सकते हैं, आप यहाँ से अपने चैनल्स के यूआरएल को कॉपी करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप दोबारा web2apk पे आ जाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो पहला सेक्शन है यूआरएल का है। आपको यहाँ पर आपने अभी जो यूट्यूब से अपने चैनल्स का यूआरएल कॉपी किया था, आपको यहाँ पे उसे पेस्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो ऐप टाइटल का है। आप यहाँ पे अपने एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कोई भी टाइटल चूज़ कर सकते हैं, वो आप पे, आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कौन सा टाइटल रखना चाहते हैं। तो मैं अपने केस में मैं अपने चैनल्स का नाम ही रख लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर टेक्निकल मार्केट लिखता हूँ। आप यहां पर कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है आइकॉन का है। आप जो एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हैं, आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स के लिए कौन सा आइकॉन, कौन सा लोगो रखना चाहते हैं, आप वो यहां से चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूं। मेरे पास एक ऑलरेडी पहले से एक लोगो है, तो मैं उसे यहां पे लगाता हूँ।
नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो स्क्रीन ओरिएंटेशन का है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे चूज़ करेंगे वर्टिकल ओरिएंटेशन। तो चलिए मैं वर्टिकल ओरिएंटेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो वेलकम स्क्रीन का है। आप यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई बंदा आपके एंड्रॉयड ऐप्स को ओपन करता है तो उसके सामने एक मैसेज जाएगा, वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं। बेसिकली आप जो एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हैं वो आपका एंड्रॉयड ऐप्स किस बारे में है वो यहाँ पर मैसेज आप दे सकते हैं। तो चलिए मैं एक मैसेज यहाँ पर देता हूँ, वेलकम टू टेक्निकल मार्केट, और यहाँ पर आप इसको एडिट कर दें। वेलकम टू टेक्निकल मार्केट, और मैं यहाँ एक अपने चैनल्स के बारे में दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया, वेलकम टू टेक्निकल मार्केट, यू विल लर्न अबाउट कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स अर्न मनी ऑनलाइन एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, अपने ऐप्स के अकॉर्डिंग, आप जिस बारे में एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हैं आप यहाँ पर मैसेज अपने यूजर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो नेटवर्क एरर स्क्रीन का है। जब आपका मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है, आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है और आपके एंड्रॉयड ऐप्स को कोई यूज़र्स ओपन करता है, तो यूज़र के सामने जो मैसेज शो होगा, जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस केस में मैं एज इट इज़ मैसेज को रहने देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो एग्जिट स्क्रीन का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन एग्जिस्ट, डू यू वॉन्ट टू एग्जिस्ट दिस एप्लीकेशन, तो इसको भी मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो ऑफ स्क्रीन लिंक्स का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, यूज़र कैन नेविगेट एनीवेयर फ्रॉम योर ऐप। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ओनली अलाउ एक्सटर्नल लिंक इफ़ यूआरएल कंटेंट्स टेक्स्ट। आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, यूज़र कैन नेविगेट एनीवेयर फ्रॉम योर ऐप्स, तो आप फर्स्ट आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप एक बार इसको ऊपर से नीचे चेक कर लें और जो भी करेक्शन करना चाहते हैं आप वो करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट माय ऐप, आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं डन लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड योर एंड्रॉयड पैकेज फ्रॉम दिस लिंक। आपका एंड्रॉयड ऐप्स बनके तैयार हो चुका है, अब आप यहाँ से अपने एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, आपका एंड्रॉयड ऐप्स बनके तैयार हो चुका है और ये डाउनलोड भी हो चुका है। नेक्स्ट आपको चेक करना है, टेस्ट करना है अपने मोबाइल पे कि आपका एंड्रॉयड ऐप्स जो अभी आपने बनाया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसके लिए पहले आप अपने मोबाइल को लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल जो है वो लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपने अभी जो डाउनलोड किया था एंड्रॉयड ऐप्स को, उस एंड्रॉयड ऐप्स को आप अपने मोबाइल में डालेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ अपने एंड्रॉयड ऐप्स को। तो चलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ।
और इसको आप अपने मोबाइल में किसी भी लोकेशंस पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ोन स्टोरेज में इसे डालता हूँ, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन आपने बनाया है एंड्रॉयड ऐप्स, उसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने जिस नाम से एप्लीकेशन बनाया था एंड्रॉयड ऐप्स टेक्निकल मार्केट से, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा इंस्टॉल ब्लॉक्ड का। ये मैसेज तभी आएगा जब आपके मोबाइल में अननोन सोर्सेज का ऑप्शन जो है वो ऑफ होता है। अगर आपके मोबाइल में पहले से अननोन सोर्सेज का ऑप्शन जो है वो ऑन होगा तो ये मैसेज नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे स्क्रॉल करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं अननोन सोर्सेज, क्योंकि मेरे मोबाइल में अननोन सोर्सेज का ऑप्शन जो है वो ऑफ है, ऑन पहले से नहीं था इसलिए वो मैसेज आया। तो मैं इसको सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। तो इसको आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप बैक आ जाएं और दोबारा आप जो आप एप्लीकेशंस टेक्निकल मार्केट को इंस्टॉल करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है इंस्टॉल करने के लिए, आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये आपका इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गया और ये आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इससे बाहर आ जाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने अभी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे थे तो आपने एक मैसेज दिया था कि जब भी आपके एंड्रॉयड ऐप्स को कोई ओपन करता है तो उसके सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा, वो मैसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने जो मैसेज दिया था, वेलकम टू टेक्निकल मार्केट, यू विल लर्न अबाउट कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, अर्न मनी ऑनलाइन एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन, वो मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर वर्क हो रहा है। आप यहाँ से इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने YouTube चैनल्स के लिए एंड्रॉयड ऐप्स फ्री में बना सकते हैं। जब आप एंड्रॉयड ऐप्स बना लेते हैं और आपके पास खुद का एंड्रॉयड ऐप्स होता है और आप उसे अपने मोबाइल पर चेक भी कर लेते हैं कि मेरा एंड्रॉयड ऐप्स जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स को लोगों तक किस तरह पहुंचाएं। लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मैं आपको दो रास्ता बताऊंगा। सबसे पहला रास्ता है फ्री वे, फ्री तरीका। दूसरा हमारा है पेड वे, पेड तरीका। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्री तरीका क्या है। जब आप एंड्रॉयड ऐप्स बना लेते हैं, आपके पास खुद का एंड्रॉयड ऐप्स होता है, तो आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स को गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे या कोई भी प्राइवेट स्टोरेज पे आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स को रख सकते हैं। और यहाँ से आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स के लिंक को कॉपी करके अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में डाल सकते हैं, ताकि आपके यूज़र्स, आपके सब्सक्राइबर्स उस लिंक पे क्लिक करके ईजिली डाउनलोड कर सकता है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आपके यूट्यूब चैनल्स तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। अब हम जानते हैं दूसरा तरीका, जो पेड तरीका है, जो बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड ऐप्स डालना फ्री नहीं है। इसके लिए आपको कुछ पैसे लगाने होंगे, आपको $25 इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप एक एंड्रॉयड ऐप्स के लिए $25 इन्वेस्ट करेंगे। ये $25 गूगल प्ले स्टोर का रजिस्ट्रेशन फीस है, जो वन टाइम पेमेंट होता है, वन टाइम फीस है। जब आप एक बार $25 पे कर देते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे 5, 10, 50, 100 एंड्रॉयड ऐप्स डाल सकते हैं और अपने एंड्रॉयड ऐप्स को लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं।
मैंने आपको दोनों रास्ता बता दिया है, अब फैसला आपका होगा कि आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स को लोगों तक किस तरह पहुंचाना चाहते हैं। आपके पास दोनों तरीका है, आपको जो बेटर लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप एंड्रॉयड ऐप्स अपने यूट्यूब चैनल्स के लिए बना सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अपने ऐप्स को प्रमोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल्स को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कंप्यूटर्स, इंटरनेट्स, मोबाइल्स, ब्लॉगर टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।